दोस्तों, निखत जरीन 25 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाली मुक्केबाज हैं। भारत को गर्व है, तेलंगाना की इस बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने गुरुवार को फ्लाईवेट फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की जित पोंग जूता मास को हरा कर गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। दोस्तों, आपको बता दें, महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के 52 किलो वर्ग का ये मुकाबला तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद निखत जरीन 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अपनी शानदार जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए निखत जरीन ने कहा, ये जीत मेरे माता पिता के लिए है। मैं जब भी अपनी माँ को फ़ोन करती, वो नमाज पढ़कर आ रही होती थी और मेरी जीत के लिए दुआ करती थी और वे दुआ कबूल हुई। ये जीत, ये गोल्ड सब उनका है। सबको पता है मेरे माता पिता मुझे कितना सपोर्ट करते हैं और उन्होंने यह भी कहा, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे परिवार मेरे साथ थे। जब निखत को एक पत्रकार ने बताया कि वह ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, क्या सच में मैं ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हूँ? मेरा सपना था कि एक दिन मैं ट्विटर पर ट्रेंड करूँ और अगर आज कर रही हूँ तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, एक तरफ निखत की माँ स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए कहती हैं, ये वो दिन है जिसका हम सभी को इंतजार था। रिश्तेदार ताने देते रहे लेकिन हमें बेटी पर भरोसा था। तो वहीं पर उनके पिताजी मोहम्मद जमील अहमद बेटी की जीत पर कहते हैं, यह जीत उन सभी भारतीयों को समर्पित है जिन्होंने उसकी यात्रा के दौरान उसको सपोर्ट किया। दोस्तों, इस बेहतरीन जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निखत जरीन को ट्वीट कर स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और साथ ही इस प्रतियोगिता में मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी कांस्य जीतने के लिए बधाई दी। दोस्तों, इस भारतीय महिला मुक्केबाज के जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।